अरे मैं हूँ यार, और कौन है? लस्सी पियो? नहीं चाहिए। अरे पियो ना यार, ये देखो 3 ग्लास पी मैंने। इट्स अमेजिंग। अरे पी ना, इसमें जहर भी नहीं है। अब मेरा मतलब है जो मैंने पी थी उन ग्लासों में तो जहर नहीं थी। राजन भाई साहब, ये काम तुमने अकलमंदी का किया। फ्रेश होकर आती हूँ। इधर आओ। अगर मैं नहीं होती ना तो तुम्हारे बाल ना और खराब हो जाते। समझे ना, हमने बहुत दिनों बाद एंजॉय किया, वरना हम तो बस ऐसे ही। पहले भी डरती थी और अब भी डरती हूँ, बिल्कुल नहीं बदली। नहीं, तुम दोनों बदल गई हो, तुम दोनों झूठ बोल रही हो। बचपन में जैसी थी अब वैसी नहीं, कम से कम मेरे लिए तो बदल ही गई हो तुम दोनों। शायद इतनी कि कभी कभी पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कौन है? कौन है वहाँ पे? श्रुती? हाँ मैं, तुम्हारे बचपन की दोस्त जिसे तुम दोनों ने धोखा दिया, अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल पाया जैसे कोई अनचाही चीज, और बड़े आसानी से भुला भी दिया। विश्वासघात किया है तुम दोनों अपने पति का साथ देकर अपने दोस्त के साथ। पर अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तुम दोनों की जिंदगी में मैं वापस आ चुकी हूँ, और अब देखती हूँ कि मुझे इंसाफ कैसे नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है श्रुति, प्लीज हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें एक मौका दो, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। श्रुति, हमें सफाई देने का एक मौका दो प्लीज। श्रुति, हमारे सामने आओ। श्रुति, ये लाइट कहाँ है? Where are the lights? कौन है? श्रुति, मत जाओ। श्रुति, क्या हुआ तुम दोनों को? किससे बातें कर रही थी? श्रुति से बातें कर रहे थे। श्रुति से? मगर वो तो जेल में है। नहीं, श्रुति यहीं पे है, हमने उसकी आवाज सुनी। शायद तुम दोनों को कोई धोखा हुआ। नहीं मल्लिका, खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम श्रुति के हर सांस से वाकिफ है। सच में? इसका मतलब कबीर जो कह रहा था वो बिल्कुल सच है, श्रुति है यहाँ पर, वो है। हमें सबको बता देना चाहिए। चलो यहाँ से। जो डर आज इन दोनों के चेहरे पर है, वही डर मैं पूरे गिल खानदान के चेहरे पर चाहता हूँ।
इतना डरे हुए भागते क्यों आ रहे हैं? विशाल, विशाल वो क्या हुआ? वो वहाँ श्रुति, श्रुति हाँ, हमने वहाँ श्रुति को देखा। मैंने तुम लोगों से कहा था पर तुम लोगों ने मेरी बात का यकीन नहीं। अरे प्लीज यार, तुम साफ साफ बताओ कहाँ श्रुति? हमने उसे देखा नहीं, हमने उसकी आवाज सुनी वहाँ बाथरूम के पास। अरे क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा भी कबीर की तरह दिमाग खराब हो गया था? सॉफ्टवेयर में कुछ और नहीं किया तुमने? हमारी बात को यकीन करो, मैं श्रुति की आवाज को लाखों में पहचान सकती हूँ। वो श्रुति ही है। अरे कभी चुप करो तुम, अरे एक को संभालना मुश्किल था, तुम तीनों हो गए। निशान प्लीज, हमारे यकीन कीजिए श्रुति वहीं पर है। कभी परेशान मत करो यार। खुशियों सर, तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं अंडरस्टूड, ये वैसे ही पागल हुआ था। ये देखो श्रुति, जब हमने कहा तब आपको यकीन नहीं आया, अब अपनी आंखों से देखो। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि ये श्रुति ने भेजा है, पर ये तो किसी की चाल भी हो सकती है। विशाल, हम लोग श्रुति को तुमसे बेहतर जानते हैं और ये सिग्नेचर श्रुति का ही है। इसका मतलब हमें इन लोगों की बात लाइटली नहीं लेनी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, अगर खुशी और संजना सही कह रहे हैं, इसका मतलब श्रुति को यहीं कहीं होना चाहिए। तुम लोगों ने श्रुति को कहाँ देखा था? लेकिन उसे देखा नहीं, हम लोगों ने उसकी आवाज सुनी थी। मेरा मतलब वही है, बाथरूम के पास। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग कब से वहां सीढ़ियों के पास एंट्रेंस तक हैं, हमने तो किसी को भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब श्रुति अंदर है, हमें उसे अंदर चलकर ढूंढना चाहिए। राइट, बालिका तुम्हारा क्या? आई थिंक यू आर राइट, तुम लोग अंदर जाकर उसे ढूंढो, मैं और संजना यहीं रुकते हैं। अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो चलो। कभी अरे यार, पूरा घर छान मारा, एक तिनका भी नहीं मिला। अरे खुशी, देखो देखो, कोई छानबीन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पागल नहीं है जो बैठ के हाँ इंतजार करेगी हमारा। चलो नहीं, नहीं। तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो? आप मुझे बता सकते हैं टॉयलेट? टॉयलेट इस तरफ।
क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, हमने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, कुछ भी नहीं। जो अकेली हम सबकी नींदें हराम कर चुकी है वो इतनी ना समझ नहीं है कि यही बैठ के पकड़ जाने का इंतजार करे। बुके तो उसने भेज दिया, साथ में उसने अपनी आवाज भी सुना, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता है। इससे ज्यादा बेवकूफी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन मामा, ये उसकी अकलमंदी भी हो सकती है। वो हमें आगाह करना चाहती है कि उसकी नजर हर वक्त हम सब पर है। मुझे लगता है हम सबको घर चले जाना चाहिए। हाँ अरे आप लोग इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मलिका बहुत देर हो चुकी है और फिर बच्चों के स्कूल भी तो है सुबह सुबह। हाँ लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, बस फंक्शन भी खत्म ही होने वाला है। ठीक है, पहले उर्वशी और आकाश को मिल लेते हैं फिर चले जाते हैं। हाँ दुल्हा दुल्हन भी खुश हो जाएंगे। आइए। हाँ चल चल। मेरे दिल की तो आप लोगों ने कभी परवाह ही नहीं, शूल पे शूल चुभाते रहे। अब मेरी बारी आई, मैं भी सूद समेत सब लौटाऊंगी। सुखिनो भवन्तु, आयुष्मान भव। बेटे हमारी उर्वशी का ख्याल रखना। पापा। गॉड ब्लेस यू। पापा, आप भी मम्मा का ख्याल रखिएगा। श्योर। थैंक यू भाभी। भाभी भी कहती हो और थैंक्स भी। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये सब लोग इतना परेशान क्यों थे? क्योंकि मैं उन्हें परेशान कर रही थी। क्योंकि रात बहुत हो गई है, सब बहुत थक भी गए थे, तो मैंने उन्हें समझाया कि वो लोग जाकर आराम करें और थोड़ी देर दूल्हा दुल्हन को भी चैन से सोने दें। अच्छा अब तुम दोनों जाकर आराम करो। दीदी दीदी आप इन दोनों को जरा अंदर ले जाइए। ऑफ कोर्स। चलो ऋषि आकाश। मैम ये आपके फ्लाइट की टिकट। टिकट? मैम ये कल सुबह के दिल्ली के फ्लाइट की टिकट है। आप ही ने तो कहा था कि दिल्ली के फैक्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने आप खुद जाएंगी। ओ हाँ थैंक्स। वेलकम मैम। पर अगर मैं चली गई तो गिल परिवार को संभालने का मौका मिल जाएगा, पर कब तक? मेरी वापसी तूफान लेकर आएगी, उसके बाद वो जिंदगी भर संभालने के काबिल नहीं होगी।
श्रुति, इस नाम से तो नफरत होने लगी है। पहले इस घर का सुख छीना, अब शांति छीनना चाहती है। अरे ये बात हमें पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। जब कबीर चिल्ला चिल्ला के श्रुति का नाम ले रहा था, तब तो हमने इसे पागल समझा। नहीं, लेकिन कबीर का केस अलग है। बिल्कुल नहीं, ये सब श्रुति का किया धरा है। यकीनन ये काम श्रुति ने किया है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, श्रुति जेल से निकली कैसे? श्रुति को 11 साल की जेल थी, अभी तो सिर्फ 7 साल हुए हैं। और अगर श्रुति जेल में है तो वो पार्टी में कैसे आ सकती है? अरे वो श्रुति ही है, ये सब उसकी चाल है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे अपने ऑफिस में देखा है। कबीर, मैं तुमसे बहस नहीं करना, तुम्हारा खुद का दिमाग सच्चा नहीं है। क्या मतलब है? ये सब जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, ये सब झूठ कह रहा हूँ। कबीर, बस तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि श्रुति की आड़ में हमें कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है? और कितने सबूत चाहिए तुम्हें ये मानने के लिए कि ये सब किया धरा श्रुति का है? कितने चाहिए तुम्हें? बस करो कबीर, बस करो। अरे संजना, इसे समझाओ प्लीज। आप लोग झगड़ना बंद कर दीजिए। कबीर, 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ प्लीज। झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। इससे बेहतर यही होगा कि हम सब जेल जाए, खुद अपनी आंखों से देखें वहां श्रुति है या नहीं। इससे ये मामला खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। दैट्स अ गुड आइडिया। उसके बाद शक की गुंजाइश ही नहीं है। कल हम लोग सब जेल जाएंगे। लेकिन हम बगैर नोटिस के जा रहे हैं, क्या हमें अलाव करेंगे? उसी बात से करें तो फिर तुम कहने से पहले वो थी तो हमारी तरह। हाँ, लेकिन पिछले 7 साल में हम उसे मिलने तक नहीं, क्या अथॉरिटीज यकीन करेंगी कि हम उसके? बहुत आसानी से हम रक्षा को सामने खड़ा करते हैं। वैसे भी रक्षा उस खूनी के लिए आज भी रही। उसके आंसू देख के पुलिस को यकीन हो जाएगा कि रक्षा श्रुति के कोई रिश्तेदार था। क्यों कभी? बिल्कुल। अरे तुम कहाँ जा रही हो? इन्हें क्या हो गया? मेरे ख्याल से थक गई होंगी, आराम करने जा रही हूँ। हम सबको भी आराम करना चाहिए। क्या सोच रही हो खुशी? कुछ नहीं। सात साल गुजर गए, हम तो श्रुति की आवाज तक भूल गए थे। और आज जब उसकी आवाज सुनाई थी तो वो भी इन हालात में। आज भी उसकी आवाज वैसे ही है, सिर्फ करवाहट भर गई है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है संजय। आज भी हम सब वही हैं, सिर्फ जज्बात बदल गए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। कौन यकीन करेगा कि साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले हम अपने ही एक दोस्त को भूल जाएंगे? कहने को तो अब सिर्फ एक अतीत है और कुछ नहीं। मेरा दिल नहीं मानता। कि श्रुति ये सब कुछ कर सकती है। उसकी आवाज के पीछे छिपी उस नफरत को तो हम पहचान सके, लेकिन उसके दर्द को हम नहीं पहचान सके सच। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि सारे हादसे के पीछे श्रुति का ही हाथ है। कल हम श्रुति को जेल में मिलने जाने वाले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जेल में ही, ताकि हम लोग उसे बता सकेंगे। इतने सालों बाद एक दोस्त की तरह मिल सके, लेकिन शायद
शक हमें उससे नहीं है।